गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको जो पिछली वीडियो में जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसकी एक्सरसाइज जो है 5.1 सॉल्व कराई है, और उसमें से आपने जो है क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करके देखा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमें जो है क्वेश्चन नंबर डाल के और पार्ट वाइज व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, जिससे हम जो है क्वेश्चंस को देख के दोबारा से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके पास भेज दें, ताकि जो है आपको आगे अपनी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बच्चे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चनों को नोट करें और सॉल्व कर लें और अपनी कॉपी बनाएं रेगुलर। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म्स ऑफ एपी। अभी हमारे पास जितने भी पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी में जो ए डी एन और ए एन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए की वैल्यू है 7 है, डी की वैल्यू जो 3 है और एन की वैल्यू 8 है, और ए एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जो फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0। ऐसे ही थर्ड पार्ट में ए मिस है तो ए की वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, सभी वैल्यूज़ बची हुई। फोर्थ पार्ट के अंदर ए की वैल्यू दी गई है, डी की दी गई है, एन की नहीं दी है, तो आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ए एन की वैल्यू दी गई है। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू है, डी की भी वैल्यूज़ है, हमारे पास एन की वैल्यू भी है और ए एन की वैल्यू नहीं है, वो आपने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम यहाँ से नोट करेंगे, इसमें से ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, हमने ए एन निकालना है। इन सभी पार्ट में से हम, जैसे हमारे पास दिया गया है ए की वैल्यू 7 है फर्स्ट पार्ट में, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू आपने निकालनी है। ए एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है तो ए एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्या बताया मैंने, ये जनरल फार्मूला यूज़ करना है आपने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरल फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे कैसे, देखो ए एन तो हमने निकालना है, तो ए एन एज इट इज़, ए हमारे पास कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू 8, 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। और अब यहाँ देखो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 21, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है 21 प्लस 7 28, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, ए एन आपने फाइंड करना है और ये जनरल फार्मूला हमने यूज़ करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए डी ए एन और डी की वैल्यू आपने पुट की है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनमें से कोई सा भी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसके अंदर से हम जो है इसमें से कोई भी पार्ट ले लो, जैसे हम इसमें से फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू 3.6। सेम क्वेश्चन में से हम नोट करेंगे, क्वेश्चन में से सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, देखो ए की वैल्यू हमारे पास है -18.9 और डी की वैल्यूज़ हमारे पास 2.5। उसके बाद हमारे पास जो है एन की वैल्यू नहीं है, एन आपने फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू 3.6।
फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है हमारे पास, ए की वैल्यूज़ हैं, डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। ए एन की वैल्यू 3.6, यहाँ पर ए एन की जगह आप क्या पुट करोगे 3.6, और ए की वैल्यू -18.9, माइनस में है तो आपने माइनस में ही पुट करना है इसको, -18.9। प्लस एन की वैल्यू नहीं है तो उसको आप ऐसे ही रखोगे एन माइनस वन, एन की वैल्यू की जगह एन ही रखना है एन माइनस वन। और जो डी की वैल्यू है 2.5, डी की वैल्यू को आपने 2.5 पुट करना है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6 एज इट इज़, और ये माइनस का है, -18.9 है, इधर आके प्लस का, +18.9 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि इधर आ चुका है 18.9, इधर आ चुका है, यहाँ पर क्या बचा है -1 2.5। इनको ऐड करो दोनों को, 18.9 में 3.6 ऐड करेंगे एंड 3.6 प्लस 18.9 दोनों को ऐड करना है, 9 प्लस 6 15, 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22.5। इक्वल टू एन माइनस वन 2.5, ये 2.5 है यहाँ पर ही, ठीक है। अब ये 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 22.5 अपॉन में 2.5, इधर आएगा एन माइनस वन। ये हमारे पास 2.5 है, ये 9 पे कैंसिल हो जाता है, 2.5 को 22.5 से करोगे तो ये 5 पर कैंसिल हो जाता है, तो 5 इक्वल टू एन माइनस वन, और 5 इक्वल टू इधर माइनस वन है तो इधर आके प्लस वन, इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये प्लस वन हो जाएगा और एन की वैल्यू ये 9 पर कटेगा, ये 9 यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 आएगा, ये और 9 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल टू 10। दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ से 3.6 है, ये माइनस का था इधर 18.9, इधर आके प्लस का हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 22.5 इधर n माइनस 1 2.5 मल्टीप्लाई में है दोनों ये, और दोनों को ऐड किया यहाँ पर ये 22.5, ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में n माइनस 1 के साथ इधर डिवाइड में चला जाता है, और इसको 2.5 को जब 22.5 से कट करोगे 9 नंबर पर कट कैंसिल हो जाता है, और n माइनस 1 9 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। ऐसे इसमें से हम जो है देखो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने जो है फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है, फिफ्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट सेम है, थर्ड पार्ट देख लो, जैसे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को नोट करेंगे दोबारा से, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है कि हमारे पास जो है ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ए की वैल्यू नहीं दी गई आपके पास, उसके बाद डी की वैल्यू हमारे पास -3, उसके बाद एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू -5। अब इसमें हमने वही फार्मूला यूज़ करना है सेम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी,
ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस फाइव, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ये एज इट इज, प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस के साथ में इसको ब्रैकेट में रखना है आपने इसलिए, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद माइनस फाइव इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन 17 इंटू माइनस थ्री, और माइनस फाइव इक्वल टू ए प्लस 17 थ्री जा 51, ये माइनस का है इधर, क्योंकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अब ये हमारे पास माइनस का 51 है इधर आ जाता है, माइनस फाइव माइनस 51 इधर आके प्लस 51 इक्वल टू ए, और हमारे पास 51 माइनस फाइव तो क्या बन जाएगा 46, और प्लस या माइनस के, ये प्लस के बने क्योंकि जो बड़ा नंबर हमारा प्लस का है, तो ए की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 46। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था ही, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन का जो है फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करा दिया है, और जो सेकंड और फिफ्थ पार्ट बचे आपने खुद सॉल्व करने हैं और समझ के करने हैं बिल्कुल, कि आपको ऐसा ना हो कि आप अभी क्लियर कर रहे हो, तो आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में करने हैं इनको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारे पास सेम है ये, ऐसे ही आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, हमने क्या दिया, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है द 30 टर्म्स ऑफ ए पी 10 7 4 इज, इसमें हमने बताना है कि इसकी जो 30 नंबर की टर्म्स है, 30वीं टर्म जो है इसकी, इनमें चारों में से कौन सी है। एक ए पी सीरीज दी गई है 10 7 4, एक ए पी सीरीज है, हमने इसकी 30 नंबर की टर्म निकालनी है कौन सी इनमें से। सेकेंड क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले हम स्टेटमेंट नोट करेंगे, स्टेटमेंट है हमारे पास 10 7 and 4, 10 7 and 4, हमारे पास एक एपी सीरीज दी हुई है 10 7 4 --, और इसकी हमने जो है 30 नंबर की टर्म निकालनी है, 30 नंबर की टर्म निकालनी है, इट मीन्स हमने इसमें निकालना है A30 निकालना है, A30 का मतलब यहाँ पर ये यह होता है कि 30वें नंबर की टर्म निकालनी है, A30 निकालना है। अब हमारे पास आएगी जैसे फर्स्ट टर्म A जो कि हमारे पास 10 है, सेकंड टर्म 10 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 4, इसमें सबसे पहले जो ए की वैल्यू है वो 10 है, और जो डी की वैल्यू है वो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस करना, इट मीन्स 7 - 10 डी इक्वल टू -3। इसमें हमने D1, D2, D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पहले से दिया है कि जो सीरीज़ है ये एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ का मतलब है सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, तो हमने फर्स्ट टू में से निकाल लिया है या सेकंड थर्ड में से भी निकाल सकते हो। इसमें ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 30 है, और जो कॉमन डिफरेंस है दोनों टर्म्स के अंदर 7 - 10 करोगे या 4 - 7 करोगे तो हमारे पास -3 आएगा। अब हमने जो है 30 नंबर की टर्म निकालने है, A30 निकालना है, A30 में n की जो वैल्यू होती है वो 30 होती है, अगर A30 की बजाय A28 पूछता तो उसमें 28 n की वैल्यू 28 हो जाती है। अब जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या करेंगे, इसमें से हमने जनरल फार्मूला यूज़ करना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जब हमने स्टेटमेंट ली है कि a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू -3, दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, और n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ से देखो 30, क्योंकि हमें 30 नंबर की टर्म निकालनी है, A30 n की वैल्यू 30, a की वैल्यू 10, दोबारा n की वैल्यू 30 -1
और d की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी माइनस थ्री। a 30 इक्वल टू 10 प्लस 29, 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, 10 इनको मल्टीप्लाई करो 87, 29 थ्री जो 87, ए 30 और यहाँ पर ए 30 इक्वल टू माइनस 77, जो 30 नंबर की जो टर्म आई है वो हमारे पास क्या आई है माइनस के 77। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही आएगा हमारे पास, ये जैसे बुक में हमारे पास ऑप्शन 4 है इसमें दिए हुए 97, 77, माइनस 77 और माइनस 87, ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी में से ऑप्शन सी आएगा। सेकंड पार्ट सभी बच्चों ने खुद करके चेक करना है, ये इसमें 11th नंबर की टर्म निकालनी है एपी की, जिसमें फर्स्ट टर्म माइनस 3 है, सेकंड टर्म माइनस 1/2 है, थर्ड टर्म 2 दी गई है। तो ए 11 आपने फाइंड करना है इसके अंदर, इसमें ए और डी जो आएगा इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है और डी निकालना है, और ए हमारे पास माइनस 3 है और ए 11 निकालना है आपने, इट मीन्स एन की वैल्यू 11 आएगी इसमें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको कराए हैं और बाकी क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड